वेलकम टू सजीर बाइक गुरु में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज का जो वीडियो का टॉपिक है, हम आपको बताएंगे ये जो फ्लैशर आप लोगों को दिख रहा है, ये फ्लैशर हम इस बाइक में यूज करेंगे और जो बाइक का इंडिकेटर रहता है, इस इंडिकेटर को हम लोग चारों एक साथ जलाएंगे और ब्लिंक करेगा जो रात को बहुत ही खास लगेगा। तो गाइस, ये फ्लैशर किस तरह से हम लोग फिटिंग करें, इसमें हम लोग को चार वायर अटैच होता है और आप लोगों को 100% बताएंगे आप लोग किस तरह से अटैच करें। और कोई भी हम लोगों का बाइक में वायर कटने का ज़रूरत नहीं है, कोई भी वायर को हमको कटेंगे नहीं, कंपनी से जो वायर है उसी सिस्टम पे लगाएंगे, बट लगाने का अनुभव तजुर्बा होना चाहिए, वो अनुभव तजुर्बा हम आपको बताएंगे। तो चलो, हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले बताते हैं, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो, हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को लगा के और इंडिकेटर जला के दिखाते हैं। तो गाइस, हम नाट खोलेंगे, ये हम लोगों का जो स्क्रू ड्राइवर का नाट है इसे खोलेंगे और ये दोनों स्क्रू ड्राइवर का नाट खोलेंगे और इस नाट को खोलेंगे। खोलने के बाद आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ किस तरह से आप लोग खोले। तो गाइस, मैंने पूरा हेडलाइट खोल लिया है बट मुझे काम करना है, तो इसे एक नाट बाइक में लगा देता हूं ताकि हम लोगों का मदद मिले काम करने के लिए और आसान हो। तो चलो, इसे लगाइए, भरो दो, एक नाट लगा दो, ठीक है, नाट लगा कर रख दो। तो गाइस, स्विच के लिए हमें यूज करेंगे ये वाला स्विच, जिसमें हम दबाएंगे और इंडिकेटर हम लोगों का ब्लिंक करेगा। तो चलो, इसे लगाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। गाइस, सबसे पहले हम बताते हैं, ये जो हम लोग का फ्लैशर है इसमें हम लोगों का 12 वोल्ट को कट करता है, जैसे कि वोल्ट को ब्लिंक करेगा तभी हम लोगों का लाइट ब्लिंक करेगा। तो गाइस, ये जो दोनों पीला कलर की वायर है, ये हम लोगों का 12 वोल्ट की सप्लाई आएगा जो रेजिस्टेंट होके ब्लिंक करेगा। अब ब्लिंक किस तरह से करें, ये जो हम लोगों का रेड कलर की वायर है और ब्लैक कलर की वायर है, इसमें हम लोगों का 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे और इसमें बॉडी अर्थिंग जैसे कि ग्राउंड। तो पहले हम लोग कनेक्शन करेंगे बॉडी अर्थिंग और ग्राउंड जैसे कि वोल्ट। तो चलो, वोल्ट हम लोग कहाँ से ले वो भी आपको दिखाते हैं। तो गाइस, यहाँ देखिए, तो बाइक में हम लोगों का एक इग्निशन स्विच लगा रहता है, इसमें हम लोगों को देखना है कौन सा वायर पे हम लोगों का इनपुट वोल्ट है, उसी वायर पे नहीं लगाना है, आउटपुट वायर पे लगाना है जो हम लोगों का इग्निशन ऑन करने के बाद वोल्ट आता है। तो मेरे हिसाब से रेड कलर की वायर जो है वो हम लोगों का बैटरी से आता है और जो चाबी ऑन करने के बाद ऑरेंज कलर वायर में हम लोगों का वोल्ट रह जाता है। हम फिर भी हम लोग माप लेंगे, मल्टीमीटर को पकड़ो। तो गाइस, 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है जो रेड कलर की वायर है, तो हमें वायर अटैच करना है ये ऑरेंज कलर की वायर में, जो इग्निशन ऑन करने के बाद 12 वोल्ट इसमें आएगा उसमें लगाएंगे, वरना हम लोगों का बाइक अगर चाबी बंद भी रहेगा तो भी हम लोगों का लाइट काम करेगा। तो यहाँ आप लोग गौर कीजिए, हमको रेड में जो ब्लू है उसमें नहीं लगाना है, जो हम लोगों का ऑरेंज में ब्लैक है उसमें लगाना है। तो चलो, एक वायर को हम अटैच करेंगे, जैसे कि ये हम लोगों का स्विच जो है, यहाँ दिखाइए, ये जो स्विच है इसे हम अटैच करेंगे, कैंची दीजिए। तो चलो, दोनों हम लोग कपलर इस स्विच का कट देते हैं, ठीक है। तो गाइस, ये जो रेड कलर की वायर है इसको हम अटैच करेंगे, जैसे कि इग्निशन स्विच पे करेंगे। तो चलो, आपको बताते हैं, इससे हम लोग इग्निशन स्विच पे कनेक्शन कर देंगे। बस यहाँ से हम लोगों को वोल्ट मिल गया। अब हम यहाँ वोल्ट चेकअप करेंगे जो हम लोगों का वोल्ट बराबर आ रही है कि नहीं। तो चलो, वोल्ट चेकअप करेंगे, पकड़ो। तो रेड कलर की वायर लगाया और यहाँ हम लोग अटैच करेंगे और इग्निशन ऑन करो, चाबी का स्विच पहले ऑन करो और उस स्विच को ऑन करो। तो यहाँ हम लोगों का 12 वोल्ट की सप्लाई बराबर आ रही है, तो इसमें वोल्ट हमें मिल गया, ठीक है। तो इग्निशन ऑफ करते हैं। अब बाकी का काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, वोल्ट, ये जो वाला वोल्ट है हमने जो एक अलग से स्विच लगाया है, इस वायर को यहाँ हम लोग अटैच करेंगे, ठीक है। तो चलो, अटैच कर देते हैं। ब्लैक कर दीजिए। चलो, अटैच कर दिया और ब्लैक टेप कर दीजिए, कहीं बॉडी का साथ संपर्क हो गया तो। BS6 बाइक है, आपका फ्यूज कट जाएगा।
तो हमने लगा दिया। अब बॉडी अर्थिंग कौन सा लूँ? तो गाइस हम लोगों को बॉडी अर्थिंग ग्राउंड देना है। तो गाइस यहाँ देखिए इंडिकेटर में भी एक बॉडी अर्थिंग है और इस जगह पर भी है, तो हम इंडिकेटर में दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो इंडिकेटर में हम दे देंगे। अब बाकी ये हम जब इंडिकेटर का दोनों वायर लगाएंगे तो हम इसमें अटैच करेंगे। तो गाइस ये दोनों वायर को कहाँ लगाना है वो आप लोग गौर कीजिए, तभी आप लोगों का इंडिकेटर काम करेगा। तो गाइस यहाँ देखिए ये लेफ्ट साइड की है और ये राइट साइड की इंडिकेटर है। तो हम लोगों का जो वोल्ट है इंडिकेटर का उसी जगह को हमको लगाना है, ग्राउंड पे नहीं। तो चलो हम लोग एक एक करके लगा देते हैं। तो जैसे कि हम लोगों का ये जो ब्लैक में सादा है ये हम लोगों का बॉडी अर्थिंग है तो उसमें नहीं लगाएंगे। तो चलो इसमें अटैच कर देता हूँ और ये अटैच हो गया है, ठीक है। अब गाइस एक वायर को हम लगाएंगे इस इंडिकेटर के साथ। तो चलो और बॉडी अर्थिंग भी हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे, जो बॉडी अर्थिंग जो ब्लैक में पीले सादा है उसमें लगाएंगे और एक वायर को लगाएंगे जैसे कि हम लोगों का इंडिकेटर का राइट साइड की जो होल्ड है उसमें कनेक्ट करेंगे। तो चलो कनेक्ट करते हैं। बस हम लोगों का कनेक्ट हो चुकी है। अब गाइस यहाँ देखिए कनेक्ट हो चुकी है। अब हम इग्निशन ऑन करते हैं, ऑन कर दिया। अब इंडिकेटर को देखिए, देखो इंडिकेटर हम लोगों का बिलिंग कर रहा है, ठीक है। ऑटोमेटिक चारों इंडिकेटर एक साथ बिलिंग कर रहा है। बट एक प्रॉब्लम हम आपको बताते हैं, अभी जो इंडिकेटर का स्विच दिया अगर हम लोग लेफ्ट राइट करें तो काम नहीं करेगा क्योंकि ऑटोमेटिक डायरेक्ट हो चुकी है। बस इसको हम ऑफ करेंगे, ऑफ करने के बाद अगर इंडिकेटर हम लोग दें तो ये सही से दोनों साइड का कंपनी जो रहता है उसी तरह से हो जाता है गाइस, ठीक है। तो इंडिकेटर हमने बंद कर दिया और इस चीज़ को ऑन करेंगे और ऑटोमेटिक हम लोगों का वोल्ट को कट कर रहा है, छोड़ रहा है। इसी तरह से हम लोगों का लाइट बिलिंग कर रहा है। चारों लाइट को दिखाइए, जाइए। तो गाइस यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, अभी दिन को आपको अच्छा नहीं लगेगा पर रात को नाइट मोड में अच्छा लगेगा, देखिए। तो गाइस यहाँ जो लाइट है इंडिकेटर का बॉल, ये बॉल हम लोगों का चेंज करेंगे, ठीक है। ये जो बॉल है इस बॉल का लाइट का कलर अलग आ रहा है, तो हम इस लाइट को बॉल को सेटिंग करेंगे और लगाएंगे और लगाने का बाद देख रहा हूँ इसका कलरिंग किस तरह से आ रहा है, क्योंकि ये कलरिंग बॉल है और एलईडी बॉल है, ठीक है। ये बल्ब है, एलईडी नहीं है, लेकिन ये एलईडी है, इसको लगाएंगे क्योंकि इसमें बैटरी चार्ज भी कम खाता है। तो चलिए इसे सब लगाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। हम लोगों का यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव है, तो प्लस चिन्ह जो है और माइनस चिन्ह जो है, तो यहाँ देखिए ब्लैक वाला जो वायर है उसमें हम लगाएंगे माइनस को, ठीक है। तो चलो माइनस को लगा देते हैं, लगा दिया। अब जला के दिखाता हूँ, चलो चारों को लगा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को जला के दिखाता हूँ। तो गाइस इंडिकेटर आप लोगों को जला के दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, आप इस लाइट को जलाता हूँ, देखो। तो चलो सब लगा लेते हैं। तो गाइस आप लोगों को बताया ये जो फ्लैशर है ये फ्लैशर किस तरह से काम करता है और चारों लाइट हम लोग इंडिकेटर अगर जलाए तो ब्लिंक किस तरह से करता है। इसमें कई तरह प्रकार के हम लोगों का ब्लिंक होता है जो हम लोग अपने हिसाब से ले सकता है। जो हम लोगों का इंडिकेटर लाइट है ये बार बार वोल्टेज को ब्लिंक करेगा और 100% काम करेगा। तो गाइस आप लोगों को बताया लगाने का तरीका। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।